सावन महीने में करने जा रहे हैं सोमवारी का व्रत, तो इन बातों का खास तौर पर रखें ख्याल। चार जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। सावन का यह महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान शिव भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं। हिंदुओं में सावन महीने का अपना एक खास महत्व होता है। इस महीने शिव भक्त सोमवारी का व्रत करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सावन में सोमवारी का व्रत करने से भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। इस दौरान कई लोग इस शुभ महीने में व्रत का अभ्यास करते हैं, जिसमें वे थोड़े समय के लिए भोजन नहीं करते या अपने भोजन को कम कर देते हैं। ऐसे में जो लोग व्रत रखना चाहते हैं, उनके लिए व्रत रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्रत के दौरान रखें इस तरह का डाइट प्लान। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार फास्टिंग का यह मतलब नहीं होता कि आप इस दौरान पूरा दिन भूखे रहें, बल्कि अगर फास्टिंग में भी खुद को फिट रखना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहें। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार व्रत में ज्यादा से ज्यादा सुपर फूड्स का सेवन करना चाहिए। व्रत में ऐसी चीजें खाएं जो कि आपके शरीर को हेल्दी रखने के साथ साथ आपके शरीर में इम्यूनिटी को भी बरकरार रखे। इसके साथ ही जो आपकी आंतों के लिए अच्छा हो, ऐसे फूड्स के सेवन से आप पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं। साथ ही आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। खुद को रखें पूरा दिन हाइड्रेट। जब भी आप व्रत रखते हैं तो उस दौरान आपके शरीर का हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी होता है। भूख लगने के समय हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण व्यक्ति खुद को बेहद आलसी और स्वस्थ महसूस करता है, जिसके कारण और समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए फास्टिंग के दौरान बीच बीच में नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ आदि का सेवन करते रहें। इसके साथ ही आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का भी यूज कर सकती हैं। खाना पकाने के तरीके का रखें ध्यान। खाना पकाने के तरीके से आप अपने शरीर में कैलोरी और पोषण को संतुलित कर सकते हैं। व्रत के दौरान खाए जाने वाले सुपर फूड्स अनाज, चौलाई, आलू, शकरकंद जैसे सभी विटामिन और खनिजों आदि से भरपूर होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी उच्च तापमान पर पकाने से इनमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अहम बात यह है कि खाने को डीप फ्राई करने से बचें। इसके अलावा बेकिंग, भुनने या ग्रिल करने जैसी अन्य खाना पकाने की विधियों का उपयोग करें।